News 18, India. आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है चर्चा का सबसे बड़ा शानदार दमदार मंच न्यूज 18 इंडिया चौपाल। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ में आगाज करते हैं अपने अगले पड़ाव का। तो जिंदगी कैसे जी जाए या आप हमारे अगले खास मेहमान या फिर यूं कहिए बेहद खास मेहमान से सीख सकते हैं। आप बेबाक बोलते हैं, खुश रहते हैं, फिलहाल देश को वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देने में काफ़ी व्यस्त भी हैं। उनका मिशन है देश ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर ईंधन के लिए निर्भरता खत्म करें। जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत कीजिएगा केंद्रीय सड़क यातायात मंत्री नितिन गडकरी जी का और उनसे इस खास बातचीत को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी किशोर अजवाणी। चौपाल में फिर से स्वागत है गडकरी जी आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के ऐसे दिन पे आप आए एकदम संसद में धमाकेदार भाषण के बाद संसद समाप्त करने के बाद ही आप आए। और अब तो पीएम ने भी कह दिया 370 आपकी पार्टी की आ रही हैं, 400 अलायंस की आ रही हैं, तो ये सब फुल कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, तीन राज्यों का जो चुनाव हुआ उसमें लोगों ने फिर से एक बार देश के विकास के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हमें चुन कर दिया है और देश का अभी जो माहौल है उसमें जनता का विश्वास निश्चित रूप से एनडीए पर है, मोदी जी पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है और मेरा विश्वास है कि ये पॉजिटिव वोट है, ये निगेटिव वोट नहीं है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, इसको हटाना चाहिए करके दूसरे को वोट देते हैं। ये पॉजिटिव वोट है और इस वोट के साथ निश्चित रूप से ये टारगेट पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है इस पॉजिटिव वोट को बनाने में? ये सब ढूंढने का काम आपका है क्योंकि एयरपोर्ट्स, रेलवे, हाईवेज, वाटरवेज, पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये जब तक देश में डेवलप नहीं होगा तब तक इंडस्ट्री और ट्रेड एंड बिजनेस और एग्रीकल्चर नहीं बढ़ेगा और जब तक ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर नहीं बढ़ेगी तब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट देश में नहीं आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ये सब डेवलप नहीं होगा तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा और जब तक रोजगार नहीं निर्माण होगा तब तक गरीबी भी दूर नहीं होगी और देश भी आगे नहीं जाएगा। तो जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारा देश आगे जा रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इम्पोर्ट कम हो रहा है और जिस प्रकार से हर सेक्टर में प्रगति और विकास हो रहा है इससे मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हम जल्दी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेंगे और $5 trillion की इकोनॉमी बनेंगे। उन्होंने कहा विपक्ष तो हौसला ही खो चुका है बिल्कुल मुझे लगता है कि पॉजिटिव हम क्या कर रहे हैं ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा है और हमारे काम के भरोसे हम लोगों का विश्वास संपादन करेंगे। तो फिर उन्होंने अगले कार्यकाल में बता दिया हम बड़े बड़े काम करेंगे, आप अगले कार्यकाल में यही वाला काम चाहेंगे? देखिए, सरकार में कौन सा काम करना और कौन सा नहीं करना ये प्रधानमंत्री तय करते हैं, ये किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं होता। पर आपकी चाहत? नहीं, ऐसा है जो भी काम मिलता है पार्टी देती है वो काम मैं आज तक करते आया हूँ और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यही हमारे सबका स्वभाव होता है। पार्टी में जो काम देना होता है वो पार्टी का अध्यक्ष तय करते हैं और सरकार में जो काम करना है वो प्रधानमंत्री तय करते हैं, तो जो भी निश्चित करेंगे वैसे वो काम करेंगे। आप अपने मंत्रालय में कई बार देखा गया कि अफसरों पे बहुत ज़्यादा सख्त भी हो जाते हैं और फिर बहुत लोगों की हौसला अफजाई भी करते हैं, ये जब सख्त होते हैं तो आपको कुछ लगता है कि ज़्यादा सख्त हो गया? देखिए, सरकार में सिस्टम में कुछ समस्या होती है, सबसे बड़ी समस्या अगर सरकार की कोई होती है तो समय पर निर्णय नहीं करना और समय पर निर्णय न करने के परिणाम हमारे सेक्टर में बहुत होते हैं। अगर आपको लैंड एक्विजिशन सही समय में नहीं मिली, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिले,
अगर आपने फ्लाईओवर के डिज़ाइन को अप्रूवल समय पर नहीं दिया तो एक एक प्रोजेक्ट में हमको एस्केलेशन बहुत बड़ा होता है। अच्छा, उसके बाद में जब वो आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो उसमें भी उनके क्लेम्स बढ़ जाते हैं और पर्याय से देश का नुकसान होता है। इसलिए फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना, इसी के आधार पर हम हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और तेज़ी से दौड़ाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो लोग समय पर काम नहीं करते और जो लोग निर्णय नहीं करते उनके बारे में कभी कभी बोलना पड़ता है। और ये पहले क्यों नहीं होता था? ये क्या पहले की सरकारों को समझ में नहीं आया कि ये जो लेट हो रहा है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, या वो लेट होना ही सरकार का सिस्टम था? देखिए, आप इस कार्यक्रम में आपके पास कागज है, आपने मेरा रिसर्च किया होगा, मैंने क्या कहा ये देखा होगा, फिर सोचा होगा, फिर पॉइंट्स निकाले होंगे, अब फिर मेरा इंटरव्यू कर रहे हो। तो प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल इज इसेंशियल एवरीवेयर। अगर हम लोग रोड का काम करना चाहते हैं तो रोड के लैंड एक्विजिशन के समय ही हम एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस कर लें, हम उसी समय इंक्रोचमेंट को तुरंत हटाएं, पावर लाइन है, गैस लाइन है, वाटर लाइन है, उसको शिफ्ट करने के लिए तुरंत अप्लाई करें, वो राज्य सरकार के सहयोग से होता है। रेलवे का ओवरब्रिज बनाना है, रेलवे को डिज़ाइन बना के तुरंत अप्रोच करें। कुछ बातों को पैसा लगता है, कुछ तो पैसा ही नहीं लगता। तो ये कागज़ पर जो काम ठीक से करना है ये भी किया तो समय बच सकता है। और मैं आपको एक मेरे अनुभव की बात एक बताता हूँ कि किसी भी व्यवसाय में, इंडस्ट्री में या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी से इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज भी है, पर इन दोनों से इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है उसका नाम है टाइम। और जनरली जिन लोगों को एक तारीख को तनख्वाह मिलता है वो टाइम का महत्व नहीं समझते, और इसलिए अगर आप एक फाइल पर अगर देरी करते हो तो उसका नुकसान करोड़ों में होता है। और इसलिए ट्रांसपेरेंसी के साथ, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के साथ तुरंत डिसीजन करना, तो मेरे यहाँ स्लोगन लगा हुआ है, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। और कभी मैं कहता भी हूँ कि आई लाइक ऑनेस्ट पीपल हु कैन टेक द डिसीजंस, इवन आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वॉन्ट टू टेक द डिसीजंस। तो डिसीजन जल्दी कराना ये बहुत आवश्यक है, और जब कोई समय पे डिसीजन नहीं करता तो फिर मैं उसके ऊपर गुस्सा करता हूँ। और बहुत से हमारे प्रॉब्लम जो है वो केवल डिसीजन समय पे न करने का, जैसे अभी एक ब्रिज बन रहा है, वो प्रूफ कंसल्टेंट को उसके डिज़ाइन को मान्य करना है, साइट पर मशीन है, रॉ मटेरियल आके पड़ा है, और वो दो महीना उसके लिए क्लियर ही नहीं करता, पूरा काम रुकता है, लोगों को तकलीफ होती है। और इसलिए अभी मैंने हमारे सेक्रेटरी साहब को कहा था कि उन्होंने गति शक्ति योजना बनाई, तो हमारे हर काम को डिजिटलाइज सिस्टम में लाइए कि कौन सा काम किसने कितने दिन में किया है और नहीं किया तो क्यों नहीं किया है। तो ये जो बहुत बार इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंशियल ऑडिट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। तो ये समय पर अगर काम होगा तो मुझे लगता है कि देश का इसमें प्रगति और विकास में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और वही कोशिश हम करते रहते हैं।